हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एजुकेशन। ये हमारा फोर्थ पार्ट है और इसमें हम मध्य प्रदेश से जीके प्लस करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब से लागू होगी? तो ये होगी 1 जून से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 1 जून से लागू होगी और इसके ज़रिए जो भी कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे तो इससे जो है वो कैश निकालने की ज़रूरत नहीं हो, कैश निकाल सकते हैं इससे। ओके, और शॉपिंग कार्ट हुआ, मेट्रो बस हुआ, ट्रांसपोर्ट जितने भी होते हैं तो उसके ज़रिए जो है इसका इस्तेमाल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। और वन नेशन वन कार्ड जो है इसी के लिए लाया जा रहा है। तो 1 जून को ये लागू होगी भारत में। अगला क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो इसका आंसर होगा चंबल नदी। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चंबल नदी जो है वो इंदौर के मऊ तहसील से निकलती है और ये जो है वो यूपी में जाके इटावा के पास जमुना नदी में मिल जाती है। और इसकी टोटल लेंथ जो है वो 965 किलोमीटर है। आपको लेंथ भी याद रखनी है। एंड इसकी सहायक नदियां हैं चिप्रा, कालीसिन, पार्वती, बनास। तो ये चार नदियां जो है सहायक नदियां हैं, इनको याद रखना है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये सीमा बनाती है और इस पर जो है वो तीन बांध हैं, आपको याद रखना है, गांधी, जवार और राणा प्रताप। ओके, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। तो ये सब चीज़ जो तीनों बांध हैं आपको याद रखना है। और इस पे जो है वो एक जलप्रपात बनता है, पुनास, पुनासा भी बोला जाता है, पुनास पुनासा कुछ भी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ऊबर ईट्स का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है जोमेटो ने। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और जोमेटो ने जो है वो इसके ये फाउंड कब हुआ था? 2008 में जो है ये फाउंड हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, उसके फाउंडर थे दीपेंद्र गोयल, दीपेंद्र गोयल और पंकज छद्दर करके जो है इनका नाम है। तो ये दोनों ही जो है वो इनके जोमेटो के फाउंडर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो आई होप सभी को पता है, मैंने काफ़ी बार क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो जेयर बोल्सोनारो। ओके, तो इनका नाम याद रखना है और ये जो है वो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है और ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया। तो इतना जो है आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक विकास केंद्र बांबोर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये PSC में आया हुआ क्वेश्चन है, ये दरअसल जो है वो मुरैना में है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और मुरैना में एक और है, शिव का मंदिर है जो काकड़ मठ के नाम से जाना जाता है। तो काकड़ मठ आपसे पूछ लिया जाता है कहाँ पर है, तो ये मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ओके, और ये जो है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की पुलिस को भारतीय प्रबंध संस्था इंदौर भीड़ के प्रबंधन और पुलिस तंत्र की बेहतरी बेहतरी सेवा। ओके, यहाँ सेव थोड़ा सेव हो गया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बेहतरीन की तरह से जो है वो जुड़े हुए अन्य विषयों पर ट्रेनिंग देगी। तो ये कौन से पुलिस तंत्र को देगी आपको याद रखना है। तो ये जो है वो UP, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश को जो है वो भारतीय प्रबंधन संस्था इंदौर जो है वो जो भी भीड़ होती है तो वहाँ पर जो है पुलिस को किस तरीके से बेहतर विषयों पर ट्रेनिंग देना होता है, तो ये उत्तर प्रदेश को देगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है इंदौर में। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और इंदौर के बारे में काफ़ी आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे कि मध्य प्रदेश की जो है ये मिनी मुंबई के नाम से जाना जाती है। यहाँ पर बड़े गणेश जी का जो है वो मंदिर है और नौवा भारत का सबसे बड़ा शहर है ये इंदौर। और यहाँ पर जो है वो सलमान खान हुए, लता मंगेशकर हुए, तो ऐसे सेलिब्रिटी जो है यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या अगर आपसे पूछ लिया है तो इंदौर में ही है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है जनसंख्या ये भी इंदौर में ही है। और यहाँ पर नेहरू स्टेडियम हुआ, होलकर स्टेडियम हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो इंदौर हवाई अड्डा है तो यहाँ पर जो है एक सेवा प्रदान की गई थी कि जो कि सामान्य यात्रियों का, तो वो होम डिलीवरी कराया जाएगा। तो ये इंदौर के जो हवाई अड्डा है तो उसके ज़रिए जो है ये शुरू किया गया था और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य 2018-19 में सब्जी उत्पादन में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पर जो है UP है और थर्ड नंबर पर जो है वो MP है। तो आपको टॉप 3 याद रखना है,
फर्स्ट नंबर पे पश्चिम बंगाल, सेकंड नंबर पे एमपी, और थर्ड नंबर पे एमपी, और सेकंड नंबर पे जो है यूपी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस देश में खोला है? तो ये नाइजर में खोला है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो ये जो है वो पन्ना है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पन्ना जो है वो हीरो के लिए जाना जाता है, और मझगवा जो खान है दरअसल हीरो के लिए जानी जाती है, तो ये पन्ना में ही पड़ती है। और कहीं आपको सतना भी लिखा मिल जाता है बहुत सी किताबों में आप देखोगे, तो सतना नहीं है, मझगवा जो है वो खान दरअसल पन्ना में है, आप सर्च कर सकते हो उसे। तो अगर बाकी अगर आपको पन्ना ऑप्शन में ना दिया हो तो आप बेझिझक सतना लगा देना, लेकिन अगर पन्ना दिया हुआ है तो आप पन्ना ही लगाना, भले ही दोनों ऑप्शन दिए हो पन्ना सतना, तो आपको पन्ना लगाना है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस जगह स्थित नहीं है? तो ये दरअसल पेंच राष्ट्रीय उद्यान दरअसल जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है, यानी मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में, दोनों जगह फैला हुआ है। दरअसल सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर, इन जगह जो है ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, और बैतूल में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके डी ऑप्शन है, और 1975 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आप याद रखना है। और ये जो है वो बाघ, तेंदुआ, चीतल इन सभी के लिए जाना जाता है। ओके नागपुर दरअसल ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल का राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। याद रखना डे आपसे काफ़ी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, आप देखोगे एक डे तो आपसे पूछ लिया ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, घाटिया अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है वो ग्वालियर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ग्वालियर से काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बात की जाए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो ग्वालियर में है, और यहाँ पर जो दुर्ग है, किला है दरअसल, उसको पूर्व का जो ब्राडल कहा जाता है, किलों का रत्न कहा जाता है, और इसमें गुजरी महल है, तो ये भी आपको याद रखना है। जयविलास पैलेस हुआ ग्वालियर में स्थित है, मानसिंह महल हुआ, तानसेन का मकबरा हुआ, और तानसेन समारोह जो है ये ग्वालियर में ही आयोजित किया जाता है, ये दिसंबर के महीने में, आप ही आपने देखा होगा। और यहाँ पर एक क्रिकेट का स्टेडियम है, रूप सिंह स्टेडियम, जो कि क्रिकेट के लिए जाना जाता है। तो आप कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि रूप सिंह जो थे वो हॉकी खिलाड़ी थे, लेकिन जो है वो क्रिकेट स्टेडियम है रूप सिंह स्टेडियम, जो कि ग्वालियर में। तो इतनी चीज़ें आपको ग्वालियर से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में कौन सा स्थान है दरअसल? तो पहला स्थान है मध्य प्रदेश में ही दरअसल हीरे पाए जाते हैं, बाकी और भारत में नहीं पाए जाते, तो प्रथम स्थान है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग किस जगह स्थित है? तो ये जो है वो महू में। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये जो दरअसल इंदौर में पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है, एकमात्र छाता उद्योग जो कि महू में। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन, आपके कितने सही निकले आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।